ई कॉमर्स यानी ऑनलाइन रिटेल कंपनियों पर लगाम लगाने के सरकारी फरमान के असर का पहला अनुमान सामने आ गया है। केंद्र सरकार ने हाल ही में विदेशी निवेश यानी एफडीआई वाली ई कॉमर्स कंपनियों के लिए नई नीति का ऐलान किया था। फरवरी में ये नए नियम लागू हो जाएंगे। इसके बाद उम्मीद है कि बाजार में बैठे दुकानदारों को ऑनलाइन रिटेल से हो रहे नुकसान में कमी होगी। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के मुताबिक नए नियमों के लागू होने से रिटेल दुकानदारों की बिक्री में 1.5 से 2% बढ़ोतरी की उम्मीद है। यानी ऑफलाइन रिटेल कारोबार में सीधे सीधे 10 से 12 हजार करोड़ रुपए तक का इजाफा इन नए नियमों के आने से हो सकता है। क्रिसिल के मुताबिक बढ़ोतरी का ये असर 2019-2020 में दिखाई देगा। दिसंबर में सरकार ने नए नियमों का ऐलान किया है। इसमें फ्लिपकार्ट और अमेजन जैसी ऑनलाइन कंपनियों को उन कंपनियों के प्रोडक्ट्स बेचने से रोका है जिनमें उनकी हिस्सेदारी है। इसी तरह उन्हें किसी प्रोडक्ट की केवल और केवल अपने प्लेटफॉर्म पर बिक्री के करार से भी रोका गया है। अब दुकानदारों को उम्मीद है कि ऑफलाइन और ऑनलाइन बाजार को साथ में मुकाबला करने का मौका मिलेगा। क्रिसिल ने खुदरा बाजार को नए नियमों से फायदा पहुंचने की बात कही है तो ये ऑनलाइन कंपनियों के नुकसान का आंकड़ा भी पेश किया है। क्रिसिल रेटिंग के मुताबिक सख्त नीति की वजह से ई रिटेल इंडस्ट्री की बिक्री का लगभग 35 से 40% हिस्सा प्रभावित हो सकता है। ये आंकड़ा 35 से 40 हजार करोड़ रुपए के बराबर होने की आशंका क्रिसिल ने जताई है। हालांकि ये पूरा नुकसान ऑफलाइन का फायदा नहीं बनेगा क्योंकि कुछ विकल्पों का इस्तेमाल ई कॉमर्स कंपनियां कर सकती हैं। इनके जरिए वो सरकारी नियमों की बाधा को कुछ हद तक चकमा देने में कामयाब हो सकती हैं। इससे उनको अपने नुकसान के बड़े हिस्से की भरपाई का मौका मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।